एवरीवन, तो हम आ चुके हैं बनारस में। अब हम दो दिन या तीन दिन तक बनारस घूमने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि बनारस में क्या अच्छा है खाने के लिए, घूमने के लिए और रहने के लिए स्पेशली। तो हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, खुद बने रहिए और बनारस मिलते हैं हमारे साथ। मखमल के गद्दे को छोड़ गंगा की रेत पे सो जाते हैं, मखमल के गद्दे को छोड़ गंगा की रेत पे सो जाते हैं। ये बनारस है गुरु, यहाँ ना ठेठ में बतियाते हैं। आपकी हेल्प फुली कर दूँगी। तो आप जब भी बनारस आते हैं तो आप अस्सी घाट आइएगा, अस्सी घाट जो इसी रेस्टोरेंट के पीछे, जैसे कि हमारा कैमरामैन खड़ा है, और जब भी आप अस्सी घाट आएंगे तो आपको इस रेस्टोरेंट में आना ही पड़ेगा। बिकॉज ये जस्ट घाट से ऊपर ही दिखता है, यहाँ का फूड और वेरी यम्मी, लिटरली दाल बाटी जो हमने खाया वो बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा मैं जो ऑल आर पूरा टेस्टी है दाल बाटी। तो मस्ट विजिट देयर Touch me like you do. 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 Tou
है, म्यूजियम था जिसे हमने भी पूरा देखा है, जहाँ पर वाहन अलाउ नहीं है। रामनगर फोर्ट में आए हैं। यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, बहुत प्राचीन, बहुत खास, और इस म्यूज़ियम में ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक जितने भी म्यूज़ियम घूमे उसमें बिल्कुल भी नहीं है। इन तक बहुत सदियों पुरानी चीज़ें, कार, उस टाइम की जो गाड़ियाँ थी, पालकी जिसमें दुल्हन जाती थी, महारानियाँ जाती थी, और गन्स, स्पेशली देयर वाज अ लॉन्ग गन्स, शॉर्ट गन्स, पिस्टल, एंड जो शोल्डर्स जो ड्रेस पहनते थे पिछले ज़माने के वो ड्रेसेस, और इसमें स्पेशली जो जानवर होते हैं उनकी स्किन जो बनाते थे उस टाइम पे वो है सब चीज़, हिरन के सींग वगैरह और लॉट्स ऑफ मैनी थिंग्स, और यू हैव टू विजिट देयर। स्पेशली किले से ज़्यादा वो म्यूज़ियम अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ऐसी चीज़ें किसी और म्यूज़ियम में मिलेंगी। लिटरली आज तक ये चीज़ें नहीं देखने को मिली, और जब भी जिस भी चीज़ को देखा लिटरली मुँह से वाओ ही निकला, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम देखी गई थी, एंड यू हैव टू मस्ट विजिट। बट यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है तो हमने वो चीज़ कैप्चर नहीं कर पाए हैं, सो वो बस अब मन में रहेगा जो भी था एंड ब्लॉग। सो ये इसके बाद मैंने स्क्रीन शॉट किया, बिकॉज वो अभी इंस्टेंट मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड स्पेशली वो भाले वगैरह, तलवार, दे वाज ऑल्सो देयर, मस्ट विजिट देयर फॉर अ म्यूजियम, डेफिनेटली इट इज़ अ गुड चॉइस इन वाराणसी। Behind these eyes, secret sound. Behind your walls, broken doors. A single हमने रामनगर का फोर्ट पूरा कवर कर लिया है, और काफ़ी हाइजीनिक है, काफ़ी सुंदर है, कलरफुल है एक्चुअली, एंड यहाँ पे वाइब्स अच्छी आ रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स। यहाँ पे मार्क्स निकाल के आप घूम सकते हैं। हाँ, इट्स हार्मफुल बट ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मार्क्स उतारने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली हम उतारेंगे। तो आप आइए यहाँ पे, यहाँ का म्यूज़ियम बहुत ही प्यारा है, अति उत्तम। तो अभी हम जा रहे हैं दुर्गा मंदिर के अंदर, जहाँ पे हम दर्शन करेंगे, और जहाँ पे पॉसिबल होगा हम जरूर आपको इनके दर्शन कराएंगे। आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बनारस आपको ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जहाँ पर आपकी 3 नीड्स पूरी हो सकती हैं, कैफे, रेंटल स्कूटी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होटल। सो कैफे द लास्ट काशा दिलश कैफे, ये कैफे है, और द सुनैना वो भी यही है, और रेंटल यहाँ के ऑनर हैं वो आपको रेंट पे स्कूटी, बाइक और कार आपको प्रोवाइड करेंगे। दे विल हेल्प यू इन एवरीथिंग, जो आपको यहाँ रहने के लिए जिस चीज़ की सुविधा चाहिए वो ये सब प्रोवाइड करेंगे। आप आगे देखिए, हाँ।
जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितांबुजंग तुंग मालिकांडमट्ट मट्ट मट्ट मन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम ते हारे ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगना छाए माथे यहाँ पर गंगा मैया की सबसे बड़ी पूजा होने वाली है। सारे काशी बनारस में सबसे बड़ी पूजा यहीं पे होती है इस घाट पर। तो देखने को पता चल रहा है कितनी बड़ी पूजा होने वाली है। हवाएं चल रही हैं लाइक एंड आप देखिए
आइए अपना से अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, जैसे कि धूप है, धूप के अकॉर्डिंग ऐसा फील नहीं हो रहा था कि यहाँ पर हवा भी चलेगी, बट किनारे पर काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और वी आर एंजॉयिंग एंड स्पेशली मैंने इसे खुद अभी ऑपरेट किया था, काफ़ी शांत किस्म का घोड़ा है। पहुँचे हैं सारनाथ के बुद्धिस्ट टेम्पल में, जो कि मेरे जस्ट पीछे है और ये अच्छा लग रहा है। बुद्धिस्ट लोगों के इसमें म्यूजियम भी है इसके अंदर एक, जिसमें उनके कल्चर की चीज़ें हैं। तो चलते हैं अंदर। मंदिर बनना स्टार्ट हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1931 से। जो पहला मंदिर हमारे यहाँ बनाया गया वो आपके सामने है। इन्होंने लोगों से चंदा पैसा इकट्ठा किया, 1920 में इस मंदिर का नींव रखा, 1931 में ये टेंपल बनकर तैयार हुआ। टोटल इन्वेस्ट मनी 72,000 रुपये में मंदिर बनकर तैयार हुआ है 1931 में। और इस मंदिर का ओपनिंग जो है गांधी जी द्वारा कराया गया है। इसी टेंपल के अंदर में बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं, हाड़ और दांत, जो अगले महीने बुद्ध पूर्णिमा के दिन निकाला जाएगा। 12 से 13 कंट्री के लोग आते हैं बुद्ध की अस्थियों का दर्शन के लिए। मंदिर में जो बुद्ध की मूर्ति है पूरी पत्थर की है, लेकिन सोने की गोल्ड प्लेटिंग है। ये मंदिर आपका गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। टेम्पल का नाम है मूल गंगा कुटी विहार, फ्रॉम श्रीलंकन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। पहला वाला घंटा दिया जापान में, लकड़ी के वृक्ष से इसको बजाया जाता है इस बेल को, लेकिन अब ये फट गया है। तो जर्मनी ने एक नया बहुत बनारस काशी में भी आप नहीं देखे होंगे वो घंटा दिया है, जिसका वजन है 2085 kg, यानी 2 टन 85 kg का घंटा दिया है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सारनाथ में आपका चार चीज़ें घूमने के लिए मेन है। नंबर वन है आपका म्यूजियम संग्रहालय, ये वही मंदिर है जहाँ से बुद्धिस्ट धर्म की स्थापना हुई है वाराणसी में, सारनाथ बुद्धिस्ट टेम्पल। तो काफ़ी दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, एज यूजल सब जगह खूबसूरत है मेरे अकॉर्डिंग तो, बट जिस अकॉर्डिंग फर्स्ट मंदिर को बनाना चाहिए था उसी अकॉर्डिंग मंदिर को बनाया गया है। काफ़ी अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी आपको दिखाएंगे, बट फॉर इन्फॉर्मेशन दैट दिस वाज दैट इन्फॉर्मेशन के ये पहला मंदिर है जहाँ पे ज्ञान है, जिसके नीचे बुद्धा को इनलाइटमेंट मिला था, उसी की सैपलिंग काट करके लगाया गया है। इस पीपल को जो पत्ते बच्चे किताबों में बुक्स में रखते हैं इससे बोध ज्ञान होता है। जो बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था वो जगह कौन सा है, कहाँ बैठ कर उपदेश दिए थे, अब वो जगह आपको ले चलेंगे, लेकिन पब्लिक को देखने के लिए मॉडल यहाँ पे बना के रखा है। बुद्ध ने जो उपदेश दिया था पाली भाषा में दिया था, और ये पांच शिष्य हैं इनके नाम भी पाली भाषा में है, अस्यजीत महानाम वप्पा भगनी कुंडी है। जिस चक्र को लोग टच कर रहे हैं उन सारे चक्रों में लिखा होता है टिबेटन मंत्र ओम आने का आदि हूँ। कोई भी चक्र आपने एक बार से टच कर दिया 10 ड्राउंड का आपका मंत्र जाप हो जाएगा, इसको घुमाने से आपको रिलैक्स और शांति मिलेगा। और ये है बड़ा वाला पीठा,
घंटा जो है जर्मन ने दिया है, पानी के कंटेनर शिप के जहाज से लाया गया, यहाँ इसको क्रेन से टांगा गया है। ये घंटे का वजन है 2085 kg और इसमें 2000 तिब्बती मंत्र लिखा है। ये मॉर्निंग में 4 बजे शाम को 6 बजे बजता है। एक बार टच करने से 5 मिनट तक वाइब्रेशन होता है, इसके अंदर से ओम की आवाज से निकलता है। इसकी जो साउंड है वो 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर पूरे विलेज में सुनाई देता है। फिर मंदिर में सिंगली भाषा में 1.5 घंटे के लिए पूजा स्टार्ट होता है। तो अंदर में आपको जाना है, चक्र को टच करना है, परिक्रमा करना है और इस पीपल के जो पत्ते हैं 2-4 आप उठा के बैग में रख लीजिएगा, उससे बोधि ज्ञान भी होता है। और यहाँ पे फोटो सेल्फी आप ले लीजिएगा। ये वो जगह नहीं है जहाँ पे बुद्ध ने उपदेश दिया था, वाली सीधा पत्ते ले लिए हैं। चेरी वन मिस बाकर में जितने भी बच्चे हैं उन सबको बांट दूंगी मैं पत्ते, ये ज्ञान आ जाएगा थोड़ा सा। शायद ट्यूशन वाले से पाला छूटे होंगे पाला थोड़ा। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सब हमने देख लिया, काफ़ी अच्छा लगा। तो हम आगे बढ़ते हैं मंदिर की ओर। था और अभी हम जा रहे हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर, ये मेरे पीछे है, इसके बारे में काफी सुना है। तो अभी विल एक्सप्लोर इट बिकॉज इसके अंदर एक इमारत है जिसका अभी तक साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं चला है वो किस लिए बनाई गई है, और ऑलमोस्ट वो ठोस है, पूरी पत्थर की बनी हुई है। क्यों बनी हुई है ये अभी तक किसी को नहीं पता चला। लेट्स एक्सप्लोर इट, देखते हैं कैसी है। तो यही है वो इमारत। तो यही है वो इमारत जिसकी हम बात कर रहे थे, और यहाँ का व्यू बेहद ही आकर्षक है। और जो दिखता है माफ करते हैं, लाइट गिरा 1 इंच, 1 इंच का डिफरेंस था। वो लड़का 8 साल का था, बता सर के ऊपर की थी खाली, एक इंच का फर्क, सेफ एकदम सेफ बजे। तो ये इस बात नहीं, आप किसी भी क्षेत्र को जाते हैं अगर वो वहाँ महान महापुरुषों की वो भूमि है तो वहाँ पर कंटिन्यू नहीं हो चलता रहेगा, वो चक्र चलता रहता है। बस यू हैव नीड ऑफ उसको फीलिंग करने की, आप उसको किस वे में फील करते हैं, आपकी दृष्टि क्या है, आपकी विचारधारा उसके ऊपर क्या पड़ती है। जब जैसा जब कहा होता ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुदत देखी सिंधे जैसी, तो आपके विचार कैसे हैं, आपकी दृष्टि कैसी है देखने कुछ स्थान के प्रति, वो स्थान आपको ऐसा रिजल्ट देता है। कोई भी व्यक्ति हो, हम हो, आप हो, स्थान हो, जीव हो, निर्जीव हो, कैसा भी। चलो
ठीक है। अभी हमने कुछ लोगों से बात की यहाँ पे एंड काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई यहाँ पर आकर और यहाँ की हिस्ट्री जान के, स्पेशली कितनी महान हिस्ट्री है यहाँ की और यहाँ पे जितने भी जिन जिन का समय आया है वो बुद्धिस्ट का हो, महादेव का हो या जो भी हो, काफ़ी भव्य जगह है ये। यू हैव टू मस्ट विजिट देयर।